वेलकम टू यम्मी क्रिएशन। तो आज हम बना रहे हैं दाल बाटी चूरमा रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ले ली है दाल, मिक्स दाल है। तो ये 1.5 कप मैंने यहाँ पे दाल ले ली है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे धो लेंगे। अब हमने यहाँ पर कुकर में दाल चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। इतने हमारी दाल रेडी होती है, तो इतने हम लगा लेते हैं बाटी का डो। तो इसके लिए लिया हमने 2 कप आटा, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप बेसन, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। इसको अच्छे से मसल लेंगे हाथों से। और ये डाल दिया हमने अजवाइन। अब ये डालेंगे थोड़ा सा जीरा, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। अभी हम आटा गूंद लेंगे। इसको ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा पतला करना है, मीडियम रखेंगे। और हमारा ये आटा तैयार है। इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम दाल तड़का लगा लेते हैं। दाल के लिए हमने लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे जीरा, प्याज। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारी प्याज का अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हमने 2 मिनट पका लिया। अब डालेंगे टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 5 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे। हमारा मसाला पक चुका है। इधर हमारी दाल भी रेडी है। ये हमारी दाल रेडी है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए लिया है तड़का पैन में 2 चम्मच घी। इसमें ले लिया जीरा, 2 लाल मिर्च और ये ले लिया हमने हींग। इसे हमने दाल में तड़का लगा दिया। अब ये दाल हमारी रेडी है। अब हम बाटी बनाना शुरू करेंगे। अब हमारा आटा ये अच्छे से लग चुका है। इसे अब लोई तोड़ के ऐसे बनाना है।
अब एक पैन में हम थोड़ा घी लगा लेंगे और अपनी बाटियाँ सेकने के लिए रख देंगे। तो ये हमारी बाटियाँ रख दी हैं, अब इसे ढक देते हैं और ये बाटियाँ हमें मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट पकाना है। तो ये बाटियाँ हमारी एक तरफ से सूख हो चुकी है और अब इन्हें दूसरी साइड से सेक लेंगे। अब बाटियाँ हमारी रेडी है, अब हम यहाँ पर सेम पैन में बादाम रोस्ट करेंगे। और हम यहाँ ले लिए हमने दो बाटियाँ चूरमा बनाने के लिए। अब इसमें हम रोस्ट किए हुए बादाम डालेंगे। इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। दो बड़ा चम्मच शुगर पाउडर लिया है हमने इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये हमारा चूरमा रेडी है। तो हमारा दाल बाटी चूरमा रेडी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।